तो दोस्तों आप लोग जानते होंगे कि सो गाइस, अभी जो आप लोगों ने वीडियो देखा वो है इस चैनल का सबसे पहला वीडियो। तो आज का वीडियो मैं और आप लोग को आज से एक साल पहले यानी जब मैंने YouTube चैनल स्टार्ट किया था सबसे पहला वीडियो बना था उस पर आप लोगों को काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। पहले दोस्तों अगर मैं आप लोगों को सबसे पहले जो मैंने एक वीडियो क्लिप प्ले किया वो है सबसे पहला वीडियो इस चैनल का, तो उस वीडियो पर सबसे पहला चीज तो उस वीडियो पर कोई भी अच्छा वॉइस क्वालिटी नहीं था, क्योंकि दोस्तों उस टाइम मेरे पास कोई भी माइक नहीं था। प्लस दोस्तों उस कैमरा जब मैंने स्टार्टिंग किया था यूट्यूब और सबसे पहला वीडियो बनाया था तब जो मेरा फोन का जो कैमरा था वो था फ्रंट कैमरा 2 मेगापिक्सल का, ठीक है। और 2 मेगापिक्सल का कैमरा कितना अच्छा रहता वो तो आप लोगों को शायद से पता ही होगा। साथ में दोस्तों अगर मैं आपको बताऊं तो मेरा जो बोलने का तरीका आज का वीडियो में और आज से एक साल पहले यानी जो सबसे पहला जो मैंने वीडियो क्लिप प्ले किया उसका आप लोगों को बोलने का तरीका काफी अलग नजर आ रहा होगा, ठीक है। क्योंकि दोस्तों तब मेरे अंदर कोई भी ऐसा वीडियो बनाने का एक्सपीरियंस नहीं था, एक एक वर्ड को मुझे शूट करके फिर एडिट करके अपलोड करना पड़ता था और ना तब अच्छा एडिटिंग आता था और ना ही अच्छा सा थंबनेल बना पाता था, कुछ भी नहीं आता था। बट दोस्तों जब मैंने YouTube स्टार्ट किया था उसके बाद मैंने काफी कुछ सीखा हुआ और अभी आप लोग देख सकते हो आज का जो वीडियो का क्वालिटी हो, साउंड क्वालिटी हो, वॉइस क्वालिटी हो या फिर आप लोग जो बोलने का तरीका और समझाने का तरीका आप लोगों को काफी ज्यादा चेंजेस नजर आ रहा पहले के दिनों के मुकाबले। अब दोस्तों अभी मैं आप लोगों को बताऊं तो यहां पे मैंने काफी कुछ मैंने कोशिश किया कि मैं डे बाय डे अपने आप के अंदर चेंजेस करूं, ठीक है। कहने का मतलब यह है कि जो पहले का वीडियो और आज के वीडियो में काफी ज्यादा अभी आप लोगों को डिफरेंस नजर आ रहा है, वो बोलने का तरीका हो, वॉइस क्वालिटी हो, वीडियो क्वालिटी हो, कुछ भी हो, मतलब बहुत मतलब डिफरेंस, ठीक है। तो जब मैंने यूट्यूब को स्टार्ट किया था तब से ही मैंने कोशिश किया कि डे बाय डे मुझे अपने अंदर चेंजेस लाना, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे पास कोई भी DSLR नहीं है, DSLR या फिर मैं बहुत महंगा माइक के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, मैं अपने आप के अंदर चेंजेस लाने की कोशिश किया हूँ, ठीक है। हालांकि अभी मेरे पास उससे थोड़ा सा अच्छा कैमरा से मैं वीडियो बनाता हूँ फोन से ही। मतलब दोस्तों कहने का मतलब कि मैंने आज से 1.5 साल पहले मैंने जब YouTube चैनल स्टार्ट किया था तब से दोस्तों आज तक मैंने काफ़ी ज़्यादा अपने चैनल पर स्ट्रगल किया, मेहनत किया और जा करके आज कुछ थोड़ा बहुत मुकाम मुझे मिला हुआ है, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा नहीं मिला है, जैसे कि मैं अभी आप लोगों को वीडियो का आगे सारा कुछ एक एक करके बताऊंगा, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखते रहना, ठीक है। उससे पहले अगर वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना, अच्छा लगता है, ठीक है, लग कर लेना सब्सक्राइब। तो चलिए अब बढ़ते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर। तो हम लोग बात कर रहे थे कि आज का जो वीडियो और एक साल पहले का जो मेरा वीडियो, अभी आप लोगों ने वीडियो क्लिप देखा शुरुआती में उसमें आप लोगों को काफी ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा है। साथ में दोस्तों अगर मेरे चैनल पर अगर आप लोग वीडियोस देखते हो तो 200+ वीडियोस भी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, तो जाहिर सी बात यह है कि थोड़ा बहुत तो चेंजेस आएगा ही, क्योंकि उतना ज्यादा वीडियो शूट करते करते थोड़ा बहुत तो एक्सपीरियंस बढ़ ही जाता, सभी के अंदर उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ ही जाता। 200 वीडियो आप लोग समझ सकते हो कि 200 वीडियो बनाना कोई भी यहाँ पे छोटा बात नहीं है, ठीक है, बहुत बड़ा बात है। एक वीडियो बनाने में कितना ज्यादा मेहनत लगता है, कितना मतलब स्ट्रगल करना पड़ता है वो तो एक यूट्यूबर ही समझ सकता है। और 200 उसी तरह एक एक वीडियो 200+ वीडियो में बना चुका अपने चैनल पर और अपलोड भी कर चुका हूं और एक वीडियो में कितना ज्यादा मेहनत है वो तो आप लोग समझ सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि अभी आप लोगों को काफी सारा यूट्यूब पर ऐसे चैनल देखने को मिल जाए, मैं जो वीडियो बनाता हूँ उसी तरह का वीडियो बनाते हैं, टेक टिप्स, यूट्यूब टिप्स, इस तरह का वीडियो बनाते हैं और वो लोग काफी कम समय अंदर काफी अच्छा खासा सब्सक्राइबर गेन कर चुके हैं। बट दोस्तों अगर मैं अपने बारे में आपको बताऊं तो आज से ठीक 1.5 साल पहले मैंने अपना YouTube चैनल स्टार्ट किया था और तब से मैं एकदम रेगुलरिटी के साथ काम करता हूं। ऐसा ये नहीं है कि मैं बीच में छोड़ दिया 6 महीना 1 साल बाद वीडियो अपलोड किया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर खूब से खूब लेट होता तो 3 से 4 दिन बाद मेरा एक वीडियो आ ही जाता। अभी फिलहाल थोड़ा सा एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ, अब उसका रीजन मैं आप लोगों को बताऊँ तो अभी तो मैं हूँ 10th क्लास में, जिसके कारण थोड़ा सा पढ़ाई का प्रेशर बढ़ चुका है और अभी आप लोग समझ सकते हो कि 10th क्लास का कितना ज़्यादा वैल्यू है। तो इसलिए दोस्तों अभी पढ़ाई तो सबसे ज़्यादा मुझे अभी फिलहाल करना पड़ता है, उसके बाद यूट्यूब भी साथ में करता हूँ, फिर इसलिए थोड़ा यहाँ पे यूट्यूब पर मैं कम एक्टिव रह पाता हूँ। हालांकि अभी फिलहाल थोड़ा सा मैं एक्टिव नहीं रह पा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों जैसे 10th क्लास का मेरा एग्जाम कंप्लीट हो जाता सारा कुछ, उसके बाद मैं अपने चैनल पर एक्टिव हो जाऊंगा जैसे पहले की तरह, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरे ही कैटेगरी का बहुत सारा ऐसे चैनल है जिसको मैंने देखा और काफी कम समय के अंदर काफी अच्छा खासा सब्सक्राइबर गेन हो चुके हैं उन लोग का। लेकिन दोस्तों मेरे चैनल की अगर बात करूं तो मैं इतना ज्यादा मेहनत करता हूं, मेरे मेहनत के मुकाबले मुझे कोई भी ऐसा सक्सेस देखने मतलब कोई भी ऐसा रिटर्न नहीं मिला। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि इतना ज्यादा मेहनत किया और उसके बदले जो मुझे मिलना चाहिए तो उतना नहीं मिला। बट आज तक दोस्तों फिर भी मैं कभी भी डिमोटिवेट नहीं हुआ हूँ कि मेरा चैनल तो ग्रो ही नहीं हुआ, मेरा तो अच्छा सा व्यूज नहीं आता, फिर भी मैं यूट्यूब पर काम क्यों कर रहा हूँ, ऐसा मुझे कभी भी आज तक लगा ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों आज तक मैं यहाँ पे सोचा नहीं हूँ कि मैं मेरा चैनल ग्रो क्यों नहीं हो रहा या फिर
मैं सिर्फ और सिर्फ एक चीज ये सोचता हूँ कि मेरा अंदर कुछ ना कुछ तो कमी होगा जिसके कारण कहीं ना कहीं मेरा चैनल ग्रो नहीं हो रहा, और उस कारण उस गलती को जिस दिन मैं पकड़ लूंगा उस दिन 100% मेरा YouTube चैनल ग्रो हो जाएगा। बस इसी धैर्य के साथ मैं YouTube पर काम करता हूँ एंड मैं जितना हो सके मैं अपने अंदर चेंजेस लाने की कोशिश करता हूँ। कभी ना कभी ऐसा आएगा जब मैं एक अच्छा खासा मैं मतलब आप लोग समझ सकते वीडियो क्रिएट कर पाऊंगा, तब मैं तब आप लोग को पसंद भी आएगा एंड मैं अपना यूट्यूब चैनल को ग्रो भी कर पाऊंगा, आप लोग सपोर्ट करोगे। तो इस धैर्य के साथ मैं दोस्तों अभी YouTube पर काम करता हूं, बट अभी तक इतना ज्यादा मेहनत किया हूं, बट उस मेहनत का अभी तक मुझे कोई भी रिटर्न नहीं मिल पाया, ठीक है, बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है मेरे चैनल पर। लेकिन जस्ट ऑपोजिट आप लोगों को YouTube पर काफी सारे ऐसे टेक टिप्स वाला ही चैनल देखने को मिल जाएगा जो कि 2-3 महीना में अच्छा खासा ग्रोथ कर लिए हैं और जो कि मेरे ही तरह वीडियोस बनाते हैं। अब दोस्तों उन लोग को देखकर मैं थोड़ा बहुत मतलब मोटिवेट होता हूँ, आप लोग समझ सकते डिमोटिवेट नहीं होता हूँ कि वो लोग 3 महीना में इतना सब्सक्राइबर गेन कर लिए, मैं तो 1.5 साल से काम कर रहा हूँ मेरा सब्सक्राइबर गेन नहीं हुआ, ये मैं कभी भी सोचता ही नहीं हूँ, ठीक है। मैं सोचता हूँ कि वो लोग कुछ ना कुछ तो यूनिक किए हैं जिसके कारण आज वो लोग अच्छे मुकाम पर है, मुझे भी वो चीज़ करना है। तो वो चीज़ सोच करके मैं दोस्तों अभी YouTube पर काम करता हूँ और आज तक मैं कभी भी डीमोटिवेट नहीं हुआ हूँ और मैं डे बाय डे कोशिश करता हूँ कि मैं अपने अंदर जितना भी चेंजेस लाने की मतलब जितना मैं अपने अंदर अच्छा कर सकूँ वो करता हूँ, ठीक है, डे बाय डे करता रहता हूँ। एंड अभी आप लोग देख सकते हो पहले के मुकाबले और आज के मुकाबले आप लोग काफ़ी कुछ चेंजेस देखने को मिल रहा है, और इसी तरह का दोस्तों आगे भी मैं अच्छा अच्छा कंटेंट लाता रहूँगा और इसी तरह का मैं अपने अंदर जितना भी चेंजेस हो सके मैं लाता रहूँगा। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद मेरा दोस्तों आज का ये था कि अगर आप लोग YouTube पर काम कर रहे हो और अगर आप लोग का ज़्यादा दिन हो चुका है, अभी आप लोग समझ सकते हो कि मेरा 2 साल होने वाला है बट फिर भी बहुत अच्छा खासा सक्सेस नहीं मिल पाया, ठीक है, 200 और 1000 व्यूज में क्या ही आप लोग समझ सकते हो कि चैनल ग्रो हो गया, ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अगर आप लोग यहाँ पे डीमोटिवेट हो जाते हो कि यार 2 महीना मैंने काम कर दिया मेरा चैनल तो ग्रो ही नहीं हो रहा, तो फिर मैं YouTube को मेरे लिए तो YouTube बना ही नहीं है, मुझे YouTube छोड़ देना चाहिए, ये अगर आप लोग सोचते हो तो आप लोग 100% में यहाँ पे आप लोग लिख करके रख लो। अगर आप लोग YouTube पर ग्रो करना चाहते हो तो ये अगर आप लोग सोचते हो तो आप लोग कभी भी ग्रो नहीं कर पाओगे, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे YouTube पर ऐसा कोई भी सरकारी नौकरी नहीं YouTube कि अगर आप लोग 1 महीना काम करते हो तो आपको यहाँ पे पेमेंट मिल जाएगा या फिर ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप अच्छा कंटेंट बनाओगे आपका ऑडियंस आपको मतलब आपका वीडियोस देखेगा तो जा करके आपको पैसा मिलेगा, ना कि आपको यहाँ पे कोई भी सरकारी नौकरी यहाँ पे नहीं चल रहा है, ठीक है, कि आपको हर महीना पैसा मिल जाएगा ऐसा नहीं होता है। फिर अगर आप लोग का दोस्तों यहाँ पे YouTube चैनल अच्छा खासा चलने लगे तो एक सरकारी नौकरी भी उतना पैसा नहीं दे सकता है जितना कि आप कमा सकते हो। तो ये चीज आप लोग समझ करके तो ये चीज आप लोग ध्यान में रख करके अपना YouTube चैनल ओपन करना। अगर आप लोग चाहते हो कि मुझे बहुत जल्दी मुझे सक्सेस पाना है तो फिर तो आप लोग YouTube पर मत ही आओ, ठीक है, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे सोच रहे हो कि मैं 15 दिन में 1 मिलियन सब्सक्राइबर कर लूंगा तो ऐसा कभी भी हो नहीं सकता, ठीक है। आप लोग को बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करना पड़ेगा तब जाकर के आप लोग यहाँ पे YouTube पर सक्सेस हो सकते हो। एंड मैं उदाहरण के तौर पर आप मुझे ले सकते हो, मैं 1.5 साल से मैं YouTube पर काम कर रहा हूँ बट दोस्तों बहुत अच्छा सक्सेस नहीं मिल पाया। सो अगर आप लोग को भी डिमोटिवेट फील होता है तो आप लोग को अपने अंदर मोटिवेट जगाना है कि नहीं मुझे करना है, मैं अभी एक दिन अच्छा यूट्यूब क्रिएटर बनूंगा। हाँ, यूट्यूबर नहीं, आज तक मैं अपना आपको यूट्यूबर तो नहीं बोलता हूँ, यूट्यूब क्रिएटर बोलता हूँ, एक मैं अच्छा यूट्यूब क्रिएटर बनूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग को सोच करके चलना है। बाकी दोस्तों आज के इस वीडियो में यही बताने वाला था एंड उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से थोड़ा बहुत आप लोगों को मोटिवेशन मिला है, और अगर थोड़ा बहुत भी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर सकते हो। बाकी इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किए तो अपना भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, मेरा यूजर नंबर bittumodak.07 या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही दोस्तों आप लोग अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए दोस्तों यहाँ पे इतना ही रखते हैं, मिलते किसी नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।